Assalamualaikum dear student, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ATP energy currency of cell। ये चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स का तीसरा टॉपिक है जिसमें हम ATP के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं कि सेल को ATP की क्यों जरूरत होती है। ATP इस वजह से जरूरत होती है क्योंकि उनको सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए, सेल को ग्रोथ करने के लिए और सेल की डिवीजन करने के लिए उसको ATP की जरूरत होती है। अब ATP लफ्ज का क्या मतलब है? ATP बार बार पढ़ रहे ATP 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 मुखफ्फफ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP किस चीज की एब्रिविएशन है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहते हैं सेल अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, फिर जब उसको एनर्जी की जरूरत होती है तो वो एनर्जी की ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी को हासिल कर लेता है, यानी ATP की ब्रेक डाउन कर लेता है और उससे एनर्जी हासिल कर लेता है। तो किस तरह हासिल करता है वो अभी मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपको पता हो कि जब भी बॉन्ड टूटता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और जब भी बॉन्ड बनता है तो उसे हम एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पर सेल को एनर्जी की जरूरत है तो वो किस तरह ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी किस तरह ब्रेक डाउन करेगा, पहले तो आप ये देखें कि ATP का स्ट्रक्चर किस तरह है। ये मैं ATP का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो मैंने आपको बताया कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन किसे कहते हैं, ट्राई किसे कहते हैं, फॉस्फेट किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास एडेनिन है। क्या चीज है? एडेनिन। ये हमारे पास क्या चीज है? ये राइबोस है, 5 कार्बन का होता है। ये हमारे पास क्या है? ये 3 फॉस्फेट है। जो फॉस्फेट के दरमियान बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है और जब ये बॉन्ड टूटता है तब एनर्जी रिलीज होती है। तो अब यहाँ पर एडेनिन और राइबोस, एडेनिन और राइबोस को जब आप मिलाकर पढ़ते हो तो उसे कहते हैं एडिनोसिन। क्या कहते हो? एडिनोसिन। ट्राइफॉस्फेट किसे कहते हैं? केले को फॉस्फेट की तादाद कितनी है? 3 फॉस्फेट है, 1 2 3। तो इस वजह से कहते हैं ट्राई। क्या चीज है? 3। क्या चीज है? फॉस्फेट है। तो ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब सेल को एनर्जी की जरूरत है तो ये इसको किस तरह ब्रेक डाउन करेगा? यहाँ पर इसके साथ वाटर ऐड हो जाएगा। क्या चीज? वाटर। तो वाटर इसकी ब्रेक डाउन कर देगा, वाटर इसको अटैक कर देगा और इसका बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह इसकी बॉन्डिंग टूटती है और ये किस तरह ATP से ADP में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर मैं ऊपर इसका सिंपल सा लिख देता हूँ कि ATP के साथ हमने वाटर ऐड कर दिया है। रिएक्शन को लिख रहा हूँ। अब हमारे पास क्या चीज बनेगा? ADP बनेगा, साथ में वाटर के मॉलिक्यूल तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी साथ में निकलेगा और साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। अब ये जब एक बार टूटता है तो हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज होती है हम उसके बारे में देखते हैं। तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको कहते हैं। जब इसका एक फॉस्फेट हटेगा तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? ADP में। किस चीज में? ADP। ये आप डायग्राम बनाने की सही कोशिश किया करें क्योंकि ये डायग्राम में अगर आप लोगों ने इसके थोड़े से कार्बन की तादाद कम कर दी, इसके कोने आप लोगों ने कम बना दिए तो आप मुकम्मल नंबर काटे जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान से बनाने की कोशिश करें, अगर इसमें आप लोगों की गलती हो गई तो आप लोगों का डायग्राम गलत हो जाएगा, सारी मेहनत आप लोगों की जाया हो जाएगी। अब ये देखो यहाँ पर मैंने 2 फॉस्फेट बना दिया। क्यों? क्योंकि एक फॉस्फेट की ब्रेक डाउन हो गई, ये बॉन्ड जब टूटा है तो इससे 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हुई है। आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि जब भी बॉन्ड टूटता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है और जब भी बॉन्ड बनाते हैं तो हम उसे एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड जब टूटा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटा है तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो गई है। ये देखिए यहाँ पर ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये IQ लगा दें कि ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये आप लोगों को पता होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? वो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की बॉन्डिंग एट अ टाइम हो,
यानी जिस में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हो, जिस में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद ना हो उसे इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो यहाँ पर फास्फेट इनऑर्गेनिक इस वजह से कहा गया है क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एट अ टाइम मौजूद नहीं है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए ये दो फास्फेट हो गए, एक फास्फेट यहाँ पर आ गया, साथ में यहाँ पर 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज हो गई है। अब इस एनर्जी को सेल इस्तेमाल करेगा मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए, जिस तरह के ग्रोथ के लिए हो गया, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए हो गया, या इसके अलावा दूसरे चीजों के लिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह दोबारा एटीपी से एडीपी बनता है। तो यहाँ पर हमने एटीपी से एडीपी एनर्जी रिलीज हुई है, फिर जब आप इसको दोबारा एनर्जी देते हो, क्या चीज देते हो, एनर्जी, दोबारा इसको एनर्जी देते हो, तो ये किस तरह दोबारा एटीपी में कन्वर्ट होता है वो अब मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह एटीपी से दोबारा एटीपी बनता है, ये आप लोगों की बुक में डायग्राम बनाया हुआ है, उसके बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी तो समझ आ गई किस तरह एटीपी वाटर मॉलिक्यूल ने अटैक किया, किस तरह इसको एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि दो फॉस्फेट थे तो इसमें कन्वर्ट किया, साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी है ये। अब इसके बाद हम दूसरे डायग्राम को देखते हैं जिसमें बनाया गया है कि यहाँ पर एक वायर लगाया गया है और यहाँ पे दो ये चीज बनाए गए हैं और इसको कहा गया कि ये फॉस्फेट है। क्या चीज है? फॉस्फेट है। तो ये हमारे पास एटीपी है। क्या चीज है? एटीपी है। और एटीपी को किस तरह इन्होंने एटीपी के अंदर तब्दील किया हुआ है, ये जो गोदार है ये किस चीज को जाहिर कर रहा है? ये फास्फेट को जाहिर कर रहा है। तो कहते हैं जब एटीपी की ब्रेकडाउन होती है तो यहाँ पर कहते हैं एनर्जी रिलीज होती है। क्या चीज रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। और साथ में दूसरी कौन सी चीज रिलीज होती है? साथ में इनऑर्गेनिक फास्फेट आता है। अब ये देखो यहाँ पर कितने फास्फेट है, 1, 2, 3। यहाँ पर इस डायग्राम में कितने फास्फेट है? 1, 2 फास्फेट है। अब जब यहाँ पर वाटर को मॉलिक्यूल जब ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे, तभी ये इसकी ब्रेक डाउन करता है। फिर यहाँ पर जब एटीपी को दोबारा आप एनर्जी देते हो, क्या चीज देते हो? एनर्जी। यहाँ पर आपको देनी पड़ती है एनर्जी। जब दोगे तो ये इनऑर्गेनिक फास्फेट इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये दोबारा एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, आज के दिन इतना ही काफी।